हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्यू हेल्प में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गूगल ड्राइव होता क्या है और कैसे आप अपने फोटो, वीडियो या किसी भी फाइल को गूगल ड्राइव पर अपनी जीमेल आईडी के थ्रू हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं और कैसे आप उसे छुपा सकते हैं, यानी कि आप जो फोटो या वीडियो या भी जो भी कोई फाइल आपने गूगल ड्राइव पर डाली है वो किसी को भी नहीं दिखे। और मान के चलिए आपने किसी जो ड्राइव के अंदर जो है फ़ोन के अंदर वो ड्राइव पर सेव कर दिया है फोटो या वीडियो, और वहाँ हटाने के बाद कैसे आप ओपन कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम के अंदर, सारा कुछ बताने वाले हैं डिटेल से। तो बिना स्किप किए हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और आज की इस वीडियो के लिए लाइक का एम रखते हैं हम 500 लाइक का, तो आई होप आप कर दोगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है गूगल ड्राइव होता क्या है। गूगल ड्राइव होता है एक तरह से गूगल द्वारा आपको एक ड्राइव दी जाती है जहां पर अपनी आप जीमेल आईडी के द्वारा आप कुछ भी फोटो या वीडियो है या भी आप कोई जो फाइल है उसे सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए। यानी कि आपने अपने मोबाइल के अंदर गूगल ड्राइव पर अपना कोई फोटो है या वीडियो है या कोई डॉक्यूमेंट्स है वो सेव कर लिया है तो हमेशा के लिए वो सेव हो जाएगा। और आप उस जिस मोबाइल के अंदर आपने गूगल ड्राइव पर जो अकाउंट डाला हुआ है उसे लॉग आउट करके वहाँ से हटा भी सकते हैं। और किसी दूसरे मोबाइल के अंदर जैसे ही आप अपनी जो है गूगल ड्राइव के अंदर अपनी लॉगिन करेंगे जीमेल आईडी तो वहां पर आपको एक्सेस हो जाएंगे, आपके फोटो वीडियो है वहां पर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो फोटो वीडियो आप जो सेव करते हैं गूगल ड्राइव पर ये हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। तो चलिए अपने फ़ोन के अंदर हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको फोटो वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट्स आपको गूगल ड्राइव पर डालना है और कैसे आप जो है इसे जो है हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं और अपनी जो फाइल है उनकी जो डाटा है उनको आप किस तरीके से दूसरे सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है गूगल ड्राइव का और ये आपको हर एक मोबाइल के अंदर मिल जाएगी। ये गूगल का ही जो ड्राइव है वो हर एक मोबाइल के अंदर मिलता है, लैपटॉप के अंदर मिलता है और डेस्कटॉप के अंदर भी पहले से ही आपको मिल जाता है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर जो है कॉर्नर में आपको दिखाई देगा प्रोफाइल का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड अकाउंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर गूगल पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको जो है आपकी जीमेल आईडी पर लॉगिन हो जाना है, जिस पर आपको फ़ोटो या वीडियो या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव करने हैं उन्हीं से आपको यहाँ पर जो है लॉगिन होना है, उसी आईडी से लॉगिन होना है। मैं पहले से लॉगिन हो चुका हूं। तो यहां से आपको जो है लॉगिन होने के बाद यहां पर लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई देंगी, इस पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टोरेज 15 GB यहाँ पर आपको मिलता है गूगल की तरफ से, और अगर आप जो है स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो बाई स्टोरेज पर क्लिक करना होगा आपको। देखिए हम आपको दिखा देते हैं बाई स्टोरेज पर क्लिक करके। तो जैसे ही बाई स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का जो है इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहां पर आपको जो है 130 रुपये में 100 GB मिल रहा है और 200 GB मिल रहा है 210 रुपये में। तो यहां से आप स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं आप कुछ अमाउंट देकर। तो अभी हम हाल ही में जो है फ्री जो स्टोरेज है उसका यूज़ करके ही हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपलोड पर क्लिक करना है और हम अपने जो है गैलरी के अंदर से कोई फ़ोटो है उसे अपलोड कर देते हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं, हमें जो भी जो है इसके अंदर सेव करना है उस पर क्लिक कर लेना है आपको अपने मेमोरी कार्ड के अंदर से, और यहां से अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमने जो है फाइल जो फ़ोटो सेलेक्ट किया था वो अपलोड होने लग गया है कुछ ही देर में, देखिए ये हो चुका है सेव। तो इस तरह आप जो कोई भी फ़ोटो या वीडियो या डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऑडियो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब हम दोबारा करके दूसरा दिखा देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से आपको ऊपर दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, ऑडियो, इमेज, तो इन चारों में से आप कोई भी जो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं फाइल मैनेजर के अंदर से। तो यहाँ से हम दूसरा फ़ोटो भी एक सेलेक्ट करके दिखा देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो देखिए दोबारा से अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है टैप करके, और जैसे ही टैप करेंगे तो ये अपलोड होने लग जाएगा गूगल ड्राइव पर।
तो इस तरह हमने जो दो फोटो हैं गूगल ड्राइव पर जो है सेव कर दिए हैं। इस तरह ही आप जो है ऑडियो वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई भी जो है इमेज यहाँ पर अपलोड करके जो है यहाँ पर सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो फ़ोटो आपने सेव किए हैं या कोई भी जो डाटा आपने सेव किया है वो किसी को नहीं दिखे, तो यहाँ पर आपको जो है इस मोबाइल के अंदर से ये वाली जीमेल आईडी हटा देनी है, और हटाने के बाद ये जो है सारे जो फ़ोटो आपने सेव किए हैं वो यहाँ पर शो नहीं करेंगे, आपके मोबाइल के अंदर से भी आप हटा सकते हैं। तो ओवरऑल पूरे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, और जब भी आपको ये फ़ोटो चाहिए तो आप किसी भी मोबाइल या फिर आप लैपटॉप के अंदर गूगल ड्राइव में जाएं और वहां पर अपनी जो जीमेल आईडी है वो लॉगिन करें, और दोबारा से ये इसी तरीके से यहां पर जैसे शो हो रहे हैं ऐसे ही वहां पर आपको शो होने लग जाएंगे। और वहां पर शो होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फ़ोटो जो गैलरी में चाहिए तो यहाँ पर थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर कॉपी लिंक, आप यहाँ से लिंक भी कॉपी कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो इस लिंक पर क्लिक करके जो आपकी ये फ़ोटो है या वीडियो है जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे देख सकता है। और नीचे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो जैसे ही दूसरे फ़ोन के अंदर आप ये जो आईडी खोलेंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे फ़ोटो या वीडियो या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, और वो दोबारा से आपको दिखाई देने लग जाएगा आपकी गैलरी के अंदर। तो इस तरह आप जो है गूगल ड्राइव का यूज करके अपना जो फ़ोटो है उसे सेव कर सकते हैं जीमेल आईडी पर हमेशा के लिए, और उसे छुपा भी सकते हैं जिससे कि वो किसी को आपके जो है मोबाइल के अंदर नहीं दिखेगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए जिससे कि हमारे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।